नमस्कार दोस्तों, बिहार पोस्ट मैट्रिक से जुड़ी कुछ अपडेट है जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिहार पोस्ट मैट्रिक का जो अंतिम तिथि था एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। ये जो डेट बढ़ाई गई वैसे छात्रों के लिए जो अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन या फॉर्म नहीं भरे थे। जब आप इनके वेबसाइट पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 ओनली। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कल से लगातार ये वेबसाइट जो था काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पे जब आप आएंगे तो अब जो है इसका जो डेट है बढ़ाया गया। फिलहाल 21 से 22 वाले जो कैंडिडेट है जो इस बार एडमिशन लिए हैं 31 दिसंबर तक वो अपना फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो दिए थे कि कैसे इसके लिए फॉर्म भरेंगे। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप नीचे चैनल के लोगों पे क्लिक करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। स्कॉलरशिप योजना 2021 का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियो भी है, जैसे बिहार पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है, 20 मिनट का वीडियो है, पूरी डिटेल में बताया कि कैसे आवेदन करना है। एक से अधिक कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये सारा वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, थोड़ा सा नुआया जाएगा क्योंकि अभी जो है अभी किस कारण से अभी बाहर है, इसलिए जो अपडेट था आपके साथ शेयर किया। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो भी अपडेट होगा वहाँ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।